मैं फजल हुसैन आपके सामने हाजिर हूँ। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर है 81, जो मैथ का पोर्शन है इसका क्वेश्चन नंबर है 81 ए। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर है 6:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो हमको ये यहाँ पर भी है यहाँ भी है तो हमको इसको बराबर करना है। इसे बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी बराबर 9 पोर्शन 12। अब बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 12:14। तो अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:12:14। यही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें तो इसमें समचतुर्भुज दिया गया है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं और आपस में समांतर हैं। इसमें प्रत्येक भुजा हमारी 100 मीटर है। एक विकर्ण दिया है वो है 160। तो दूसरा विकर्ण हमारा ये हो जाएगा। इसकी हमारी दूरी थी नहीं इसकी ये से ए बी सी डी तो ये 100 है ये 160 है। ये दूसरा विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर पर डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ से ये अगर ओ मान लें तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 80 मीटर। तो ये 100 है और ये 80 है तो ये हम निकाल लें अगर पाथागोरस प्रमेय से तो ये हमारी ओ बी बराबर आ जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालें तो ओ बी आ जाएगी हमारी 60 मीटर। तो ओ बी 60 हो गई। ए विकर्ण हमारा डी वन दिया गया 160 मीटर। दूसरा विकर्ण डी टू बराबर हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा 60 × 2 यानी 120। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 डी वन इंटू डी टू। तो 1/2 इंटू डी वन हमारा 160 है और डी टू 120 निकला है। 2 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 12,896,209,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न 83 में प्रश्न देख रहे हैं, गुणनखंड करना है। तो इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x+18 इसे गुणनखंड करने के लिए इस 18 को ऐसे दो भाव में बांटना है जिसको गुणा करें तो 18 हो जाए और जोड़ें तो 9 हो जाए, इसके क्षेत्र 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 9 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x-3x+18। इसमें x को कॉमन ले लिया, x-6, 3 कॉमन आ गया x-6। तो ये आ जाएगा एक कोष्ठक में x-6, एक कोष्ठक में x-3। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अगला प्रश्न है 84 में, इसमें 3 कोण एक समान है, चौथा कोण दिया गया है। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक कोण का मान दिया गया है, तीनों कोण समान है तो तीनों कोणों का योग हमारा आ जाएगा, समान जो कोण है उनका योग आ जाएगा 360-75 285 डिग्री। तो तीन कोणों का, तीनों समान है तीनों का योग आ गया 285। तो एक कोण का मान आ जाएगा 285/3। यह आ गया समान कोण का मान 3 × 27
तीन पंच पंद्रह, पचानवे डिग्री कोण आ गया। अगला प्रश्न 85वां है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो एक बट्टे दो पे हाफ है, तो हम इसको एक बट्टे रूट दो लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं एक बट्टे क्यूब टू। तो इसका क्यूब रूट लेना है और इसका रूट लेना है। इसकी जो कर्णी घात है इसको बराबर करने के लिए तीन का गुणा इसमें कर देंगे, दो का इसमें कर देंगे, तो ये घात आ जाएगी एक बट्टे कर्णी घात छः हो जाएगी, दो पे घात आ जाएगी तीन, और यहाँ भी कर्णी घात छः हो जाएगी, और ये दो पे घात आ जाएगी दो, तीन पे घात दो आ जाएगी। तो हम इसको लिखें एक बट्टे रूट दो पे क्यू है आठ हो जाएगा, कर्णी घात छः, और एक बट्टे कर्णी घात छः नौ आ जाएगा। इसमें जो बड़ी होगी संख्या रूट के अंदर वही संख्या बड़ी होगी, तो ये बटे के अंदर है, तो जो ये छोटी संख्या है आठ, तो ये पूरी संख्या जो है पूरी बड़ी आएगी, अतः हमारी जो संख्या होगी वो बड़ी कौन सी होगी, एक बट्टे दो पे घात एक बट्टे दो, ये हमारी बड़ी संख्या। अगला प्रश्न हमारा 86वां प्रश्न है, इसमें a प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम a प्लस बी बराबर सात है, इसमें दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, इसको सूत्र बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो जाएगा सात का वर्ग 49। ए बी की वैल्यू लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू 12 इज इक्वल टू 45 49, बारह दूनी 24 हो जाएगा, 24 को इधर माइनस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 49 माइनस 24 ये आ जाएगा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, यही हमारी वैल्यू होगी जो हमें निकालनी थी। अगला प्रश्न हमारा 87वां प्रश्न में, तो प्रश्न देख ही रहे हैं सामने हाजिर है, कोई भी धन है तो धन मान लिया हमने एक्स, समय दिया गया है 25 वर्ष, साधारण ब्याज है तो ब्याज हमारा क्या दो गुना 25 वर्ष में दो गुना हो जाता है, तो ब्याज भी हमारा एक्स ही हो जाएगा, तभी टू एक्स होगा। फार्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज रहा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ब्याज भी हमारा एक्स होगा, मूलधन भी हमारा एक्स है, समय हमारा 25 और दर हमें निकालनी है, ये बटे 100 हो गया, एक्स से एक्स कट गया वन आ गया, एक्स 25 चौक 100 हो गया, तो दर बराबर आ जाएगा 4%। अगला प्रश्न है 10 सेमी त्रिज्या है, ये कोई वृत्त है, इसकी 10 सेमी ये केंद्र है, 10 सेमी त्रिज्या इसकी जीवा है, कोई जीवा, जीवा की लंबाई हमारी 16, जीवा ए भी मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त केंद्र की जीवा से दूरी ये निकालना है, तो इसको इससे मिला देंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या हमारी है 10 सेमी, इसको हम लंब डाल दें इस पर, ये दूरी आ जाएगी, यही हमें निकालनी है, ये ओ मान लें, ये सी मान लें, तो ए सी। तो कोई भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको दो भागों में बांट करता है, ये 16 है तो ये 8 हो जाएगी, ये 6 10 हो जाएगी, और ये हमारा बन जाएगा समकोण त्रिभुज, इससे पाथागोरस प्रमेय से इसकी दूरी निकल आएगी, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए हमारा कर्ण हो गेया और ए सी आधार हो गया। इसको हल कर देंगे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस 64, ये आ गया 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यही दूरी हमारी आ गई। अगला प्रश्न हमारा, कोई परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या हमारी x बटे y है, x अंश है और y हर है, तो इसमें प्रश्न में क्या दिया है कि हर जो है अंश से 8 अधिक है, तो y बराबर x प्लस 8, अगर इनको बढ़ा दिया जाए
अंश को 17 बढ़ा दिया यानी x प्लस 17 कर दिया, y को 1 बढ़ाया y प्लस 1 कर दिया, ये बराबर हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व कर लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 34 बराबर 3y प्लस 3 1 3, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको पक्षांतर कर दें तो 3y माइनस 2x बराबर 34 माइनस 3, इसको दे लें इसको दे लें तो ये आ जाएगा 31। यहाँ y की वैल्यू x प्लस 8 है तो यहाँ पुट कर देंगे 3 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस 2x बराबर 31, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 24 3x 8 की 24 माइनस 2x बराबर 31। तो 3x में से 2x घट गए तो ये बचा x बराबर 24, उधर निकल गए 31 माइनस 24 बराबर आ जाएगा 7। तो यहाँ से देखें x बराबर आ गया हमारा 7 और y जो है x प्लस 8 है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो y आ जाएगी हमारी 15 और पर में संख्या हो जाएगी 7/15। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 94% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो मान लिया टोटल कुल छात्र हमारे 100 हैं, तो जो उत्तीर्ण हुए वो 100 में 94 उत्तीर्ण हो गए और अनुत्तीर्ण हुए हमारे 6। 100 में 94 पास हुए हैं और 6 फेल हुए हैं, टोटल में हमारे 33 फेल हुए हैं। तो 6 फेल हुए 100 में, 6 फेल हुए हैं तो एक में कितने फेल हुए हैं 100/6, तो 33 फेल हुए हैं तो कितने में फेल हुए होंगे तो 100/33/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से कट गया 3 1 3 3 2 6 2 से कट गए तो ये आ जाएगा हमारा 85/55/11/55/550 टोटल छात्र होगा हमारा। अगला प्रश्न है 91 में, यदि a बराबर x कारण x एक समद्विबाहु त्रिभुज है और दूसरे में x एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो a कैप b निकालना है, तो a कैप b कितना आएगा। a कैप b का मतलब ये होता है कि जो a समुच्चय a और b में दोनों कॉमन होगा वही हमारा यहाँ ए कैप बी में आएगा। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें कोई भी त्रिभुज कॉमन नहीं होगा, और जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो ये नल सेट आएगा और नल सेट को हम पाई से डिनोट करते हैं तो यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 92 में, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा ये निकालना है। देख रहे हैं 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 10 गुणा लागत मूल्य बराबर होगा 8 गुणा विक्रय मूल्य। तो लागत मूल बटे विक्रय मूल्य हो जाएगा 8/10। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 4/5। तो इसमें देख रहे हैं कि लागत मूल्य अगर 4 रुपये है तो विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपये है, तो इसमें जो हो रहा है वो हमारा बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ये होता है लाभ गुणा 100/ लागत मूल। तो लाभ हमारा 1 रुपया है गुणा 100/, जब लागत मूल हमारा 4 है तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, 4 से कट जाएगा 25, 25 से 25, तो लाभ परसेंट हमारा आ जाएगा 25%। अगला प्रश्न हमारा है 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9000 और 9 का वास्तविक मान हमारा 9 ही रहेगा, तो हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे 1998। अगला प्रश्न है, इसमें आंकड़े दिए गए हैं, इनके आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो आंकड़ों की माध्यिका भी दी है, 63 है तो x का वैल्यू निकालना है।
तो ये आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी सम संख्या आंकड़ों की। तो 10 पदों सम संख्या के पदों में हमारा बीच के पद 2 आएंगे, 4 इधर से छोड़ दें और 4 इधर से छोड़ दें तो बीच के पद ये आ जाएगा। तो माध्यिका हमारी होगी, बीच के पद हैं x और x प्लस 2, तो x प्लस 2 दोनों पदों को जोड़ के आधा कर दें और ये हमारी वैल्यू दी गई है 63। तो x और x 2x प्लस 2 बराबर 2 का जैसे मल्टीप्लाई हो जाए 2 3 6 12, 2x बराबर हो जाएगा 2 26 माइनस 2 124। तो x की वैल्यू आ जाएगी 124/2, x बराबर 2 6 12 2 4, x की वैल्यू 62 आ गई। अगला प्रश्न है 95, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च को यानी अगले साल यानी 200 यानी 1992 को कौन सा दिन होगा 3 मार्च के। तो देखें 5 जनवरी 1991 को शनिवार अगर है तो 5 जनवरी 1992 को इतवार होगा, क्योंकि 1991 हमारा क्या है एनिवर्स नहीं है, इसलिए 365 दिन होंगे तो एक दिन बढ़ जाए इतवार हो जाएगा। अब आगे 12, 19, 26 इनको इतवार रहेगा, 26 के बाद 2 फरवरी को भी इतवार रहेगा, उसके बाद 9, 16, 23 फरवरी को भी इतवार रहेगा, उसके बाद 1 मार्च को भी इतवार होगा। और हमारा पूछा गया 3 मार्च को क्या होगा, तो 1 मार्च को इतवार, 2 को सोमवार और 3 मार्च को मंगल होगा। अगला प्रश्न है 96, अगला प्रश्न है ए माइनस बी का 4 है वैल्यू और ए बी की 21 है, तो ए माइनस ए की माइनस बी की मान निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab = 16। ए बी की वैल्यू लगा देंगे 21 × 42 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 + 42, ए बराबर हो जाएगा 58। अब ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू पर निकालना है, इसका वैल्यू जो प्रसार है ए माइनस बी एक कोष्ठक में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो अब इसकी वैल्यू लगा देंगे ए माइनस बी की वैल्यू हमारी 4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आई है 58 और ए बी की वैल्यू हमारी 21 दी गई है, तो ये हो जाएगा 4 × 9 और 5 × 2 = 7। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 9 = 36, 4 × 7 = 28 और 3 = 31, 316 ये वैल्यू हमारी ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू है। अगला प्रश्न 97 प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और कर्ण की लंबाई 10 सेमी है, तो आधार और लंब नहीं दिए गए हैं, सो हम एक्स और वाई मान लें, तो एक्स प्लस वाई टोटल तीनों भुजाओं की लंबाई 24 है और 10 निकालें तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारी 14 आ जाएगी और यहाँ पाथागोरस प्रमेय में लगा दें तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। अब इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 196 और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 2ab और बचा यानी 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 196, तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 100 दिया है, ले जाकर घटा देंगे तो 2xy बराबर 196 माइनस 100 तो ये आ जाएगा 96। तो एक्स वाई बराबर 96 बटे दो, दो चार आठ बटे 16 48 हो गया। और हमारा क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुना आधार एक्स और वाई, यानी एक्स वाई में भी दो का भाग दे दें, यानी 48/2 बराबर 24 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न 98 में है, तो देखें 6 पुरुष 15 दिन मजदूरी, तो हमें निकालना है 9 पुरुष 12 दिन कितनी मजदूरी होगी, उसका हम निकाल लेंगे। 15 मजदूर तो 2100 होगी, 12 होगी तो कम हो जाएगी, कम की तरफ, ऐसे ही ज़्यादा की तरफ। इसका हो जाएगा समानुपात में है एक्स बटे 2100 बराबर 12/15 गुणा 9/6, तो एक्स बराबर आ जाएगा 12 × 9 × 2100 × 15 × 6 से काट देंगे, 3 से कट गया, ये 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 से कट गया 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 2 तो 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 6 × 21/5। तो मजदूरी जो आएगी वो आ जाएगी 5 से कट जाएगा 5 × 20, 5 × 10, 6 का गुणा कर देंगे इसमें 6 × 4 = 20, 4 × 6 = 12 × 2 = 24 = 25, यानी 2520 रुपये। प्रश्न में एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताना है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2/n(180), जहां n जो है भुजाओं की संख्या है। तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज का अंतःकोण 10-2/10(180) 0 से 0 कट गया, यहाँ बचे 8, तो 8 × 18 कितने आ गए 144। बाह्य कोण की माप ये हो जाएगा 180-1, ये आ गया 36 डिग्री आंसर। सवा प्रश्न देख रहे हैं हम, ये 5 पे घात लगी x प्लस 1 और ये 2 - x, x 5 ही बराबर हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, x की वो वैल्यू जो दोनों साइडों को बराबर कर दे वही हमारा x की वैल्यू होगी। तो इसमें देखें तो 5 पे x प्लस 1 है, प्लस 5 पे 2 - x है, और ये बराबर है 5 पे 3 घात प्लस 1, तो यहाँ x की 1 वैल्यू रखें तो यहाँ 2 घातें हो जाएंगी, यहाँ पर 1 घात रह जाएगी, 5 रहेगा तो ये बराबर नहीं हो रहा है। x का 2 वैल्यू रखें, x बराबर 2 रखने पर x का 2 रखा 2 + 1 + 2 - 2 बराबर में 5 × 3 + 1 है, तो 5 × 3 घातें यहाँ हो गई और 5 में यहाँ 0 हो गई, 5 पे 0 घात होगी तो इसका मान 1 होगा, तो दोनों साइड बराबर आ गई है। तो x के बराबर 2, x की 2 वैल्यू के लिए दोनों साइड बराबर हैं, तो x की जो वास्तविक वैल्यू होगी वो 2 होगी, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये 100 प्रश्न 81 से लेकर 100 तक 65,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा होनी थी उसके मैथ पोर्शन का मैंने सॉल्यूशन दिया है। इसको अगर पसंद हो तो शेयर ज़रूर करें।